को बचाना होगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में हो, एसपी कॉलेज प्रशासन होश में हो, एसपी कॉलेज प्रशासन होश में हो, एमसीटी का नाम पूरा करना होगा, बीएड कॉलेज को बचाना होगा, एमसीटी नाम को पूरा करना होगा, एसपी कॉलेज प्रचार्य होश में हो, छात्र किसान हत्या करना बंद करो, छात्र का भविष्य का साथ देकर करना बंद करो, कैपी यादव मुर्दा पाल था वो तो देखिए आपको भेज देंगे रिसीवमेंट देंगे। तो आगे बढ़ाइए, क्या मांग थी जो आप लोग यहाँ आए थे आज प्रचार के पास? देखिए हमारी ये एकदम जन्मिन मांग था जो बीएड सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अधीन पांचों बीएड कॉलेज आज जिस तरह से खतरा मंडरा रहे बंद होने के कगार में था, उसी को संबंधित लेकर के हम लोगों ने आज सभी कॉलेज के प्राचार्य को घेरने का हम लोगों ने काम किया। क्योंकि ये मुद्दा आज के नई मुद्दा नहीं, ये बार बार इस तरह के यहाँ के समस्या आते हैं और इन लोग के लापरवाही का कारण आ जा रहे हैं। आपको बता दें एनसीटीई ने सिद्धो कान्हू के अधीन जितने भी बीएड कॉलेज है इसको इतना अधिक सहयोग किया, इतना उसको सम्मान दिया है और उसको सम्मान के साथ उसको पांच बार उसको मौका दिया कि उसका नॉर्म्स के अनुरूप जो भी कानून बनता है वो नॉर्म्स के अधीन जितने भी आपका एरिया है उनको आप फुलफिल कीजिए, चाहे टीचर हो या नॉन टीचिंग हो, चाहे फिर वो आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, कॉलेज का स्ट्रक्चर हो या लाइब्रेरी हो, सारा चीज़ को फुलफिल करने का काम किया। लेकिन इन लोग को इतना मौका देने के बावजूद भी आज तक उन लोगों ने इतना फुलफिल नहीं किया कि आज इसी लेकर के बीएड आज बंद होने के कगार पे आ गई है। तो आज हम लोग इसको सचेत कर दिया है कि ये जो अगर एनसीटी का जो तहत ई के तहत अगर मान्यता रद्द होती है तो फिर हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम के तहत बोला कि उसका जो नियम्स है उसको पूरा किया जाए और बीएड को बचाया जाए। अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर इसको नियम कानून को आप फॉलो नहीं कर एनसीटी का जो नियम से उसको पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग 11 दिन से अनिश्चितकालीन, जिस तरह से हम लोग ने 2014 में अनिश्चितकालीन बीएड बचाने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हजारों हजार छात्र हम लोगों ने आंदोलन पे भूखे प्यासे किए थे बीएड को बचाने के लिए, आज फिर हम लोग 11-10वां दिन के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन बीएड को बचाने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन सिर्फ कॉलेज ही नहीं पाँचों कॉलेज और यूनिवर्सिटी यानी 6 मुख्यालय को भी हम लोग तालाबंदी करने के बाद होंगे और इसका जिम्मेदारी यहाँ का पूल कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन होंगे, ये सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर होगा और इसका सारा आंदोलन का रूपरेखा हमारे छात्र समन्वय समिति करेंगे। बिल्कुल होगी, यहाँ हम लोगों अभी जिस तरह से देख रहे हैं हम लोगों ने जहाँ तक हो पाया उतना फी यहाँ पे दिया उतना है, ये अभी सवल कि उस फी से हम लोगों का 16 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ जितना यहाँ पे रखने का है नॉन्स के तहत उन सारे स्टाफ को वेतन मुहैया किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे संकट मच रही है, जिस तरह से यहाँ संथाल परगना जिस तरह से एक पिछड़ा क्षेत्र है, इसको लेकर के एनसीटी ने भी कई बार इनको जो है माफ़ी किया है, यहाँ के क्षेत्र को देख करके उन्होंने कई बार इनको मौका दिया है सुधारने के लिए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन इसका जिम्मेदारी आज विशेष तौर पे यहाँ के प्रिंसिपल संथाल परगना महाविद्यालय के सारे प्रशासन इनका मुख्य रूप से दोषीदार हैं और ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे अधिकार उनके पास है, यदि वो भी नहीं करते हैं तो हम लोग रुक करेंगे यूनिवर्सिटी की ओर भी, लेकिन चूँकि ये कॉलेज हमारा है, हमारा होना चाहिए, चूँकि ये स्वपोषित कॉलेज है, हमारे पैसा से चलता है और यदि इस तरह से यदि हमारे लोगों को वंचित किया जाएगा, पिछड़े क्षेत्र के यदि छात्र छात्राओं को यदि डिग्री लेने से वंचित किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। संथाल परगना के इस महाविद्यालय को और इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने महाविद्यालय है बीएड कॉलेज है सभी को तालाबंद करेंगे और यूनिवर्सिटी को भी तालाबंद करेंगे, चूँकि सारा विधि व्यवस्था करने का अधिकार जो है यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय को दिया जाता है, लेकिन आज तक यहाँ पे किसी तरह का विधि व्यवस्था को सुरक्षित नहीं किया, या फिर यहाँ का जो प्रिंसिपल है उनका भी लापरवाही है कि आज तक उनको लंबा समय एक मिला, 2016 के बाद से आज 23 चल रहा है, लंबा समय मिलने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा गतिविधि नहीं किया, ऐसा फोर्सली एक लेटर नहीं भेज पाया कि यहाँ पे 16 शिक्षक हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सारा विधि व्यवस्था हो, जिस उद्देश्य से लेकर के इस संथाल परगना महाविद्यालय के अंदर बीएड कॉलेज का स्थापना किया गया था, इस क्षेत्र के गरीब गुरबा जो छात्र हैं सारे लोग बीएड का डिग्री कर सके ताकि शिक्षक बन पाए,
क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे ना इंजीनियरिंग कॉलेज है ना मेडिकल कॉलेज है, एक ऐसा कॉलेज है जो संथाल परगना का SP कॉलेज और यहाँ पे जो BEd कॉलेज है जहाँ से यहाँ के छात्र छात्राएँ आज शिक्षक बन करके अपना उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर पाए हैं, जिसको जो सपना आज चूर चूर होने के कगार पर है, ये हम लोग पता ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इन्हीं लोगों का साजिश है, यहाँ के छात्र यहाँ के गरीब छात्र को पढ़ने से या फिर शिक्षा लेने से इस तरह का डिग्री लेने से वंचित रखने का इन लोगों का साजिश है, और हम लोग इस साजिश को इन लोगों का जो है पूरा नहीं होने देंगे। इन लोगों का साजिश पर हम लोग पानी फेरने का काम करेंगे। आने वाला समय में यदि ये लोग जल्दी से यथाशीघ्र यदि नहीं करती है मांगे हमारा पूरा नहीं करते हैं और ये BEd कॉलेज को सुचारू रूप से यदि संचालित नहीं करती है तो हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा यदि पढ़ाई ही नहीं होगी तो फिर इस कॉलेज का क्या मतलब है, इस प्रोफेसर का क्या मतलब है, यहाँ के प्रिंसिपल का क्या मतलब है, यदि हम यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे छात्र हमारे पढ़ाई के लिए सुविधा मूलभूत सुविधा से वंचित रहेंगे, डिग्री लेने से वंचित रहेंगे, तो फिर इस कॉलेज का कोई मतलब नहीं होता है, इस यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी की ओर भी रुख करेंगे और वहाँ भी हम लोग तालाबंद करेंगे जब तक हमारा मूलभूत सुविधा। आज जो हम लोग 3 मुख्य मांगे लेकर के आए हैं, यहाँ पे BEd का टीचर जो 16 होता है, 15+1=16 होता है, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ होता है 5-6 जो 5 होता है मुख्य रूप से वो होना चाहिए, यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए जो मूलभूत सुविधा होता है वो सारा चीज़ आप यहाँ नॉन्स के हिसाब से चलना चाहिए, और यहाँ पे हमारे गरीब क्षेत्रीय संथाल परगना एरिया के जो छात्र हैं गरीब नीचे दबले कुचले जो छात्र हैं उनको यहाँ सुचारू रूप से शिक्षा मिले, इसका हम लोग मांग कर रहे हैं, और हम लोगों का अपना पैसा से ये कॉलेज चल रहा है ये सारे लोगों को मैं बार बार बता देना चाहता हूँ, और बार बार हम लोगों के साथ इस तरह का अन्याय इस तरह का शोषण नहीं किया जाए, अन्यथा हम लोग बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताला बंद करके रहेंगे, उसके बाद हमारा शिक्षा कैसे नहीं होता है पूर्ण रूप से हम लोग देखेंगे बाद में। सर, सर क्या समस्या है, छात्र आए थे BEd की मान्यता के लेकर आपसे, क्या बात है? NCTE के द्वारा टाइम एंड अगेन उसके जो नॉर्म्स हैं कंडीशंस हैं उसको मांगे जाते रहे हैं, और हाल ही में NCTE का भी एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें महाविद्यालय से कुछ कागजात मांगे गए हैं। BEd महाविद्यालय SP कॉलेज दुमका इसको मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। कुछ बिंदु हैं जो विश्वविद्यालय के स्तर से जिसका निदान होना है, कॉलेज को उस तरह का कोई अधिकार नहीं है। जैसे BEd में शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल है कि BEd का कंडीशन है NCTE का कि 15+1 टीचर्स होने चाहिए और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ, तो इस संबंध में कॉलेज में जो रिक्तियां हैं महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय से यह याचना कई बार की गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग भी की गई है कि हमारे यहाँ अभी कार्यरत शिक्षकों की संख्या इतनी है, इसको 15+1 के हिसाब से इस शर्त को पूरा किया जाए। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस संबंध में कुछ सकारात्मक आश्वासन दिए हैं और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय भी इस संबंध में गंभीर है, शायद हो सकता है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से इस पर पहल करे, चूँकि शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार कॉलेज को नहीं है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, BEd में किसी तरह के कोई माने थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड स्टाफ की नियुक्ति का भी अधिकार कॉलेज अपने स्तर से नहीं कर सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने अभी याचना भेज दी है। अब आज छात्र समन्वय समिति के छात्र लोग आए थे, इन लोगों ने भी यही बात रखी कि महाविद्यालय में जो BEd की पढ़ाई शुरू हुई है उसको बंद नहीं किया जाए, नहीं करवाया जाए, और उसके लिए इन लोगों ने 10 दिनों का एक अल्टीमेटम समय दिया है। उस अल्टीमेटम के तहत जो जो शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा करवाने के लिए कुछ सकारात्मक पहल किए जाएं। तो महाविद्यालय इस संबंध में पहले से भी गंभीर है और लगातार प्रयासरत है, कर रहा है प्रयास। अब उसके वेतन की बात है कि शिक्षकों को वेतन UGC नॉर्म्स के अनुसार दिया जाए, तो या तो कॉलेज के अंतर्गत नहीं है, कॉलेज स्वतंत्र नहीं है कि किनको कितना वेतन दे। इस संबंध में विश्वविद्यालय का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, वहाँ उनकी जो विहित संस्थाएँ जैसे वित्त समिति या फिर सिंडिकेट वगैरह से होते हुए फिर ये आएगा, तो इसको भी
ये किया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय का निर्देश, विश्वविद्यालय का आदेश कॉलेज के लिए मानना अहम है। और हम सारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन का जो भी आदेश या निर्देश होगा उसका हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा हम लोग पालन करते हैं और आगे भी पालन करेंगे। स्वतंत्र नहीं है हम लोग को, स्वायत्तता नहीं है कि हम लोग अपने से कोई निर्णय ले लें, हम लोग विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं। और विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस आज छात्र समन्वय समिति की जो मांग है इसको मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के समझ भी रखूँगा, भेजूँगा। धन्यवाद।